टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज सेकेंड टेस्ट के बाद चालू होने वाला है, उसके लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसमें अनाउंसमेंट में सबसे बड़ी बात रही कि टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव को वापस से टीम इंडिया का कप्तानी सौंपा गया है। इस तरह देखा जाए सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के कैप्टन है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें ना शुभम गिल है, ना जायसवाल है, ना बुमराह है, ना सिराज है, ना ऋषभ पंत है, ना अक्षर पटेल है। इन सभी को रेस्ट दिया गया है क्योंकि ये सब दूसरे टेस्ट के लिए अभी खेल रहे हैं, जिसके चलते इन लोग को आराम दिया गया है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे सीरीज होने वाले हैं, इसलिए रोटेशन के तहत इन लोग को आराम दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये रही, इसमें जो अभिषेक शर्मा जो जिम्बाब्वे में जाकर सेंचुरी लगाए थे अपने डेब्यू सीरीज में, उनकी वापसी हुई है क्योंकि उन्हें श्रीलंका सीरीज में जगह नहीं मिली थी। दूसरी जगह विकेट कीपर में दो जन का नाम है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। यानी संजू सैमसन पहले विकेट कीपर और जितेश शर्मा दूसरे विकेट कीपर है। इस तरह देखा जाए हो सकता है संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में चांस मिले जितेश शर्मा से पहले। तीसरे सबसे चौथी सबसे बड़ी चीज़ है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है T20 में, जिन्हें टेस्ट और वनडे में जगह नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी बात है हार्दिक पांड्या, जो श्रीलंका में T20 सीरीज जीतने के बाद वापस उनका वापसी हुई टीम इंडिया में। फिर उसके आते रियान पड़ा, उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसमें नए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो एक नया नाम है, जो हैदराबाद के लिए खेलते हैं, उन्हें भारतीय टीम में जगह मिला हुआ है। शिवम दुबे आपको मालूम ही है, जो वर्ल्ड कप में फाइनल में परफॉर्म किया था। वासिंदर सुंदर स्पिनर है, रवि बिश्नोई भी एक स्पिनर है। एक और नए स्पिनर को शामिल किया, उसमें नाम है अपना वरुण चक्रवर्ती, जो KKR के लिए खेलते हैं, उन्हें शामिल किया है। इसमें सबसे बड़ी बात है फास्ट बॉलर की, जिसका नाम है मयंक यादव, जिन्होंने सिर्फ 4 ही IPL मैच खेला है। 4 IPL मैच खेलते ही उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। और फास्ट बॉलर में हर्षदीप सिंह है, और उसके बाद है हर्षित राणा। वही बोलते हैं जब किस्मत अच्छी रहो तो इंसान 1 या 2 या 3 या 4 मैच खेलने पर भी टीम इंडिया का कैप मिल जाते हैं। इससे बड़ा और किस्मत क्या चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।